Hey there, this is Harshita from English Stoppage and a warm welcome to my channel. और ये जो आज की वीडियो है ये बेस्ड है दो कॉन्सेप्ट्स पर. पहला है कि जब हमें किसी को बोलना होता है कि आई लाइक इट या आई एम इंटरेस्टेड. दूसरा है आई डोंट लाइक दिस और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड दिस. तो इस वीडियो में मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है उसको कवर करूंगी. तो जो ये दोनों बात है, हम किसी को अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम सिंपली बोलते हैं कि आई डोंट लाइक इट और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड दिस एंड आई लाइक इट. तो इन दोनों ही बातों को कहने के और भी बहुत क्रिएटिव तरीके हैं. तो उन्हीं सारे क्रिएटिव तरीकों में से कुछ एक छोटा सा कलेक्शन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है. So without wasting any time, let's get started. First of all, I would discuss the creative ways to say I like it or I am interested in this and this. Number one, जब आपको कहना है I like it तो वहां कह सकते हैं I am addicted it. मुझे इस चीज का एक बहुत ज्यादा addiction है. Number two, I am keen on it. I am keen on it. इसका भी मतलब होता है कि I am interested. Number three is I am crazy about it और आई एम मैड अबाउट इट. यानी कि आप किसी चीज को लेके बिल्कुल पागल हो या बिल्कुल क्रेजी हो किसी चीज को लेके, इतने ज्यादा किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड. नंबर फोर, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, इट्स लुक्स गुड. इट्स लुक्स गुड. नंबर फाइव इज इट्स माय थिंग. इट्स माय थिंग. जब आपको कोई काम बहुत ज्यादा पसंद है तो यानी कि वो आपकी ही थिंग है, यानी कि आप उसमें उस काम को करने में कंफर्टेबल है तो आप कह सकते हैं इट्स माय थिंग. ऑल राइट. नंबर सिक्स, इट्स फैसिनेटिंग. इट्स फैसिनेटिंग. तो ये भी एक अच्छा तरीका है आई लाइक इट कहने का. लास्ट इज आई फैंसी. आई फैंसी. तो ये सारे जो वेज थे, ये कुछ एक छोटा सा कलेक्शन था ये बोलने का कि आई एम इंटरेस्टेड और आई लाइक इट. अब जब आपको कहना है कि आई डोंट लाइक इट और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एंड दिस, तो उसके कुछ क्रिएटिव वेज हम यहाँ देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. इट्स रियली माई फेवरेट. पर्सनली इट्स माई फेवरेट. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. जब आपको कहना है कि आपको इस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ये काम आपको करना पसंद ही नहीं है, तो आप नए तरीके से वहां कहिए इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. ओके. नंबर टू इज आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट. जब आपको पॉजिटिव बोलना था पहले पॉइंट्स में तो आपने बोला आई एम क्रेजी अबाउट इट, और अब जब आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज में तो आपको सिंपली बोलना है आई एम नॉट क्रेजी अबाउट इट. यानी कि इस चीज में बिल्कुल भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. आपका इस बात से ये कहने का मतलब है. नंबर थ्री, इट डजंट टिकल माई फैंसी. इट डजंट टिकल माई फैंसी. और आप ये भी यूज कर सकते हैं इट डजंट माई फैंसी. नंबर फोर, दैट्स नॉट फॉर मी. कोई काम पसंद नहीं है तो सिंपल बोल दीजिए वहां दैट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए है ही नहीं काम. नंबर फाइव इज आई एम डिसइंटरेस्टेड इन दैट. आई एम डिसइंटरेस्टेड इन दैट. यानी कि मेरा इसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल अनिच्छुक हूं इस काम को करने में. तो ये भी आपका एक सिंपल तरीका है आई डोंट लाइक बोलने का. नेक्स्ट इज आई डोंट अप्रिशिएट. आई डोंट अप्रिशिएट. जब कोई काम पसंद ही नहीं है तो आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, तो वहां सिंपली बोल दीजिए आई डोंट अप्रिशिएट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम नॉट कीन ऑन इट. तो इतने सारे तरीके हैं आपके पास बोलने के कि आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट. तो आप कोई भी उसमें से यूज कर सकते हैं. सारे के सारे ही बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग और डिफर हैं. तो आप कोई भी अपना कॉन्वर्सेशन में यूज करके और अपने कॉन्वर्सेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जा सकते हैं, और सामने वाले को भी लगेगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो काफी हद तक अच्छी है. तो इम्प्रेसिव इंग्लिश भी आपकी हो जाएगी. तो ये एक छोटा सा क्लिप था. आई होप आपने इंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा. तो अगर सीखा है और इंजॉय भी किया है तो लाइक कर सकते हैं चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख सकते हैं.
और सोशल मीडिया पे चाहते हैं तो मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां जाके आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन ही है जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम बताता है। यहां जैसे ही वीडियो पब्लिश होगा सबसे पहले वीडियो आपके पास होगा, तो इसलिए वीडियो के बाद बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। तो आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।